मध्य प्रदेश में इस वर्ष विधानसभा चुनाव होने को हैं। हर कोई नेता रूठे तथा पार्टी से निष्कासित कार्यकर्ताओं को मनाने में लग गए हैं, ताकि चुनाव का परिणाम विपरीत ना जा सके और सत्ता में काबिज हो सके। इसके लिए वो एडी चोटी का जोर भी लगा रहे हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं धार की, जहां हिंदू नेता अशोक जैन और उनके साथ ही लंबे समय से अपनी ही पार्टी बीजेपी से निष्कासित रहे। यहां तक कि अशोक जैन को नगरपालिका जैसे चुनाव में पार्टी से टिकट नहीं मिलने पर उन्हें बागी होकर चुनाव भी लड़ना पड़ा। हालांकि इस चुनाव में उनकी जीत तो नहीं हुई, लेकिन बीजेपी को हार का मुंह जरूर दिखा दिया। इस परिणाम से घबराई बीजेपी ने आने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जैन को पार्टी में फिर से शामिल कर अपनी ताकत मजबूत कर ली है। जब हमारे संवाददाता अमर वर्मा ने अशोक जैन से बात की तो क्या कुछ कहा उन्होंने, आप खुद देख लीजिए। हमारे साथ हिंदू नेता अशोक जैन मौजूद हैं। आज उनकी बीजेपी में वापसी हुई है। हम उनसे चर्चा करेंगे कि उनकी लंबे समय से निष्कासन रहा और वो यहाँ धार की नगर पालिका चुनाव में वो बागी होकर चुनाव लड़े, ऐसी क्या वजह रही है, हम उनसे बात करते हैं। पहला मेरा सवाल है अशोक जी, आप तो काफी लंबे समय से बागी होकर बीजेपी से बागी होकर चुनाव लड़े, ये क्या कारण रहा? उस समय नगर पालिका चुनाव था, परिस्थिति थी कि बागी लड़ना पड़ा। आज वर्तमान परिस्थिति जो है, देश के टुकड़े होने की स्थिति में आ गया, भारत माता के टुकड़े हो रहे, उसको देखकर मैंने धार में एक समरसता भूम करा, जिसमें सभी समाज सभी वर्ग के लोग पूरे धार नगर के उस कार्यक्रम में आए, हजारों की संख्या में। उसके बाद 2 अक्टूबर के दिन मैंने पीतमपुर में रखा कार्यक्रम, जिसके अंदर कम से कम 30 से 32 हजार की संख्या माता बहनों भाइयों की रही। और वो देखते हुए कि मेरे जो हिंदू समाज के जो टुकड़े हो रहे हैं, आज सपा और SC ST को जो लड़ाया जा रहा है, भारत माता के टुकड़े होंगे तो देश में क्या हालत होगी, उस स्थिति को देखते हुए कि आज मेरे को भारत माता की रक्षा करना है। भारत माता का रक्षा जब भी हो सकती है कि आज जो भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी की जो सरकार है केंद्र में, प्रदेश में शिवराज जी की सरकार है। अशोक जी, आपको नहीं लगता है कि आपकी शक्ति जो ताकत देखी गई है जो नगर पालिका में, उसकी वजह से आपको लिया गया है? वो बात अलग है। आज वर्तमान की परिस्थिति में जो दो कार्यक्रम करे, उसको लगा कि समाज जब मेरी बात मान रहा है तो समाज को जब सही दिशा उसी पार्टी में दे सकता है जो हिंदू समाज की रक्षा कर सकती है, जो भारतीय संस्कृति को बचा सकती है। उस स्थिति में मैंने निर्णय लिया कि भारतीय जनता पार्टी ही इस सबको लेकर आगे बढ़ सकती है और जो मेरा मिशन है वो सफल होगा, उसको लेकर ही मैं भारतीय जनता पार्टी रहूंगा। अशोक जी, मेरा ये सवाल है आपसे कि क्या आपकी अहमियत भाजपा में पहले जैसी बनी रहेगी? देखो, मैं समाज का काम करता हूँ, मैं अहमियत कर उस पर विश्वास रखता हूँ, मैं अपने कर्म में विश्वास रखता हूँ और मैं मेरे कर्म में ईमानदारी से करूंगा, तो मेरी जो जगह है उससे अच्छी जगह मिलेगी। अशोक जी, ये चुनाव जो चुनाव मध्य प्रदेश में चुनावी माहौल चल रहा है, ऐसा तो नहीं कि संगठन को कहीं ना कहीं साठगांठ मतलब साधने का काम चल रहा है? देखिए, मैं अकेला हूँ, पार्टी के साथ हो गया तो पार्टी जिला अध्यक्ष हम दोनों मिलकर पार्टी को 1 और 11 हो जाएंगे, वो पार्टी को बहुत आगे ले जाएंगे, इसीलिए मैंने पार्टी के साथ दिया। अशोक जी, मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि क्या आप मतलब धार विधानसभा से विधायक के लिए आप उम्मीदवार के लिए दावेदारी अपनी जाहिर करेंगे? मैं भारतीय जनता पार्टी में मेरा प्रवेश हुआ है तो बाकायदा राजनीति करता हूँ, पार्टी से टिकट मांगूंगा। और अगर अशोक जी आपको नहीं मिलता है तो क्या फिर भी आप इसे जुड़े रहेंगे, क्योंकि वर्मा परिवार पे कहीं ना कहीं परिवारवाद का मतलब कई बार प्रश्न उठा है और आज तक किसी को मौका नहीं मिला है, ऐसे में क्या? मैं पार्टी का साथ दूंगा, पार्टी से टिकट मांगूंगा, नहीं मिलेगा तो भी पार्टी का काम करूंगा। तो देखा आपने, हमारे साथ ये थे अशोक जैन, जो हिंदू नेता कहे जाते हैं। इनका साफ कहना है कि मैं पार्टी के साथ हूं और पार्टी में आया हूं, मतलब देश में जो हिंदू का टुकड़े हो रहे हैं उसकी वजह से मुझे वापस भाजपा में मुझे शामिल होना पड़ा है। कैमरामैन दिनेश के साथ अमर वर्मा, समाचार एक्सप्रेस, धार।